हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी स्टूडेंट। आज हम करेंगे सिक्स क्लास का पीएसबी बोर्ड का चैप्टर थर्ड, बेसिक ऑफ वर्किंग विद कंप्यूटर। स्टूडेंट, कंप्यूटर के हमारे जो बेसिक हैं वो, उसके कैसे हम काम करते हैं, तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टार्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट, वर्किंग विद विंडो एप्लीकेशंस, शटिंग डाउन कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि स्टूडेंट, आपको सभी को पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ ही वर्क करता है। और जो हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं, हमें डिफाइन करते हैं, अंडरस्टैंड करवाते हैं कि कैसे हमने अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास हार्डवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन को इंटरफेस प्रोवाइड करता है एंड वर्किंग करता है एज ए मशीन की तरह। और इसी तरीके से जो भी हमारे पास डिजिटल डिवाइस होती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, आईपैड, ये सभी क्या हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल होता है। और इस तरीके से ही हमारे पास जो इनकी मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम। अगर मोबाइल की हम होम स्क्रीन देखें, वहाँ पर जो मेनू, डायलॉग बॉक्सेस, आइकन एंड वेजेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इंटरफेसिस को। और इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर के पास भी जो डेस्कटॉप आइकन मेनू होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हम कंप्यूटर की वर्किंग को ही। और इसी तरीके से मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे पास इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। और जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है वो वर्किंग करता है हमारे इंटरनल प्रोसेसिंग को कंप्यूटर की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस एंड ऑपरेशंस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट्स। और इसी तरीके से जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडो, मैकिन्टोश, लिनक्स, डॉस, एंड्रॉयड 7.9 एंड जो हमारे अदर्स जो हैं वो हम इस पे डिस्क, जैसे कि विंडो, विंडो क्या है, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए इसको ऑपरेट किया गया। और इसकी जो यूजिंग है वो क्या है, हमारे पास ग्राफिकल विंडो होती है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्रिएट करती है हमारा ग्राफिकल कंट्रोल को। और इसी तरीके से हमारे पास जो डॉस है, डॉस भी क्या है, एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास जो करेक्टर यूजर इंटरफेस होते हैं जिसको हम CUI भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को पावरफुल बनाते हैं। और इसकी जो रन कमांड होती है कंप्यूटर मेमोरी को, उसकी स्पीड को स्लो करते हैं, देन ऑपरेट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम की डिफिकल्टीज को। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हैंडल हैंड को होल्डिंग करके रखता है। और इसी तरीके जैसे कि हमारे पास अगर गूगल, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है टच स्क्रीन है, और इसके डिवाइसेस को हम सेलफोन एंड टैबलेट भी बोलते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं जो हमारे पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करते हैं, यूज़ किए जाते हैं टेलीविजन्स में, कार में, रिस्ट वॉच में। और इनका जो डिफरेंस इंटरफेस है वो हमें क्या करता है, पॉसिबिलिटीज को प्रोवाइड करवाता है। स्टार्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट करते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है वो लोड किया जाता है कंप्यूटर को डिफरेंट सेक्शंस एंड पार्ट में। और इस तरीके से हमारे पास जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है तो हम इसका स्विच ऑन करते हैं। जी, अगर हमारे पास मॉनिटर है तो हम उसकी LCD को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करवाएंगे CPU के साथ, और हमारे जो पावर बटन है मॉनिटर के वो क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। और इसी तरीके से जो हमारी LCD और मॉनिटर होती है उसकी पावर ऑफ भी हमें जरूर करनी चाहिए। इसकी हम जब भी इसके बटन को प्रेस करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू, अगर उसकी हमने ऑन किया है तो वो उसकी बूटिंग करेगा, देन उसको स्विच ऑन कर देगा, देन अगर हमने इसको क्लोज करना है तो वो उसकी बूटिंग को प्रोसेस करने के बाद ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन को डिस्प्ले करवा देगा हमारे फ्रंट विंडो पे। लॉगिन, लॉगिन स्टूडेंट क्या है, जब भी हमने अपनी विंडो 7 के डिस्प्ले आइकन को शो करवाना हो और जो भी हमने डाटे को स्टोर किया हो उसकी वैलिडेट एंड अथेंटिसिटी जो हमने चेक करनी हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडोज़ को पार्टीशनिंग कर देते हैं जिसमें डिफरेंट यूजर्स क्या करते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो स्क्रीन है वो क्या करता है, इसको ऑथोराइज्ड करवाता है। और डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स नेम के साथ इसको क्या करता है, पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट कर देता है। और इसी तरीके से जब हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड होते हैं वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड पर्सन से क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
और इस तरीके से यूजर नेम एंड पासवर्ड करने से हमारा जो विंडो की स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाती है, विदाउट पासवर्ड दिए वो नहीं ओपन होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेस्कटॉप एंड इसके कंपोनेंट। उसके जब हम अपनी विंडो की स्क्रीन को ओपन करवाते हैं तो वो हमारी कौन सी होती है, फर्स्ट विंडो डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्क्रीन पर जो भी हमारे पास पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पर कंप्यूटर, स्कूल, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, गूगल क्रोम, ये सभी आइकन हमें दिए हुए हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, माइक्रो विंडोज 7 के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। इन्हीं स्मॉल आइकन के साथ ही हम अपनी कंप्यूटर सिस्टम का असेस करते हैं। जो हमारा माई कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट करवाता है एंड उसके जो आइकन होते हैं वो ओपन होते हैं डबल क्लिक करने से। नेटवर्क, नेटवर्क को अगर हमने कोई लोकेशन चेक करनी हो, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ये हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करवाएगा और उसका जो डाटा शेयर करवाएगा अकॉर्डिंग टू हमारी कंप्यूटर कनेक्टिविटी के साथ। रिसाइकल बिन क्या होता है, हमारे पास जस्ट लाइक ए डस्टबिन होता है। वो क्या करता है, हमारे सिस्टम के जो भी हमारे डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर होते हैं उनको रिस्टोर भी करता है और डिलीट भी करता है। यूजर्स फाइल्स, यूजर्स फाइल जैसे कि हमने कहाँ पर सेव की हुई है, डेस्कटॉप पे है, माई पिक्चर पे है, वीडियो पे है, डेस्कटॉप पे है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेव करके रखते हैं। शॉर्टकट, शॉर्टकट स्टूडेंट क्या होते हैं, ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम्स को और इस तरीके से जो हमारे फाइल्स एंड फोल्डर होते हैं उसको इजीली असेस करवाते हैं। और हमारा जो भी प्रोग्राम इस पे शॉर्टकट की पे हमने उसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और हमारे जो स्मॉल एरोज हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं शॉर्टकट्स को। वॉलपेपर, वॉलपेपर क्या है, हमारे पास इमेज को डिस्प्ले करवाता है। इसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो क्या करवाता है, डेस्कटॉप की जो बैकग्राउंड होती है उसके जो अकॉर्डिंग टू हमारे चॉइस वॉलपेपर को हम क्या करते हैं, उस पे सेट करते हैं। सबसे पहले हम अगर वॉलपेपर को चेंज करना, हम वॉलपेपर को डिस्प्ले डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और वहां पर हमारे पास पर्सनलाइज ऑप्शन प्ले ऑप्शन क्या होगा, डिस्प्ले होगा। और उसको हम पॉपअप मेनू करने के बाद जो हमारी न्यू विंडो अपीयर होती है उसमें हम डेस्कटॉप के वॉल ऑप्शन को बॉटम एंड चूज करेंगे। देन उसको क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ही हमारे सिस्टम पे सेट हो जाएगा। टास्क बार, टास्क बार क्या होता है, हमारी बॉटम साइड स्क्रीन पे शो होता है और इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट के साथ बहुत ही कनेक्टेडिटी होती है, क्योंकि जो भी हम स्टार्ट मेनू पर जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो वर्किंग करनी है एप्लीकेशंस हैं वो हमें क्या होती हैं, शो होती हैं। और देन उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया होता है जो हमें डिफरेंट डिफरेंट आइकन को रिप्रेजेंट करवाता है। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन के साथ हम क्या करते हैं, अपनी हमारी फर्स्ट विंडो होती है टास्क बार की, जिससे हम जिसका लॉगो इस तरीके से होता है, विंडो का लॉगो बना होता है, उसको हम डिस्प्ले, हम विंडो शट डाउन करने के लिए भी, अगर हमने कोई एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम को वर्क करना हो उसके लिए भी शो होता है। क्विक लॉन्च बार, क्विक लॉन्च बार क्या करता है, हमारे सिस्टम को सेक्शन में डिवाइड करवाता है और इस तरीके से जो प्रोग्राम की लोकेशन होती है वो स्टार्ट मेनू से नेक्स्ट बटन पर लोकेट हो जाती है। सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे क्या है, हमारी राइट साइड पर होती है और जहाँ पर हमारे पास मेनचोर आइकन होते हैं जो इजीली एक्सेस होते हैं, जैसे कि प्रिंटर, फिक्सर, मॉडम एंड वॉल्यूम। नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमें नोटिफिकेशन एंड स्टेटस डिवाइसेस को। और इस तरीके से जो भी हमारे डिस्प्ले आइकन होते हैं उस प्रोग्राम के फीचर्स को वो डेस्कटॉप पर एंटर कर देता है। क्लॉक, क्लॉक क्या करता है, हमारे पास एक एंड टास्क बार है जहाँ पर हम अपने टाइमिंग को, करंट टाइमिंग और डेट को देखते हैं और इस तरीके से जब भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वायर्ड होती है उसमें टाइमिंग एंड डेट को चेंज करने की, तो वो उसको चेंज भी कर सकता है। एक्टिव प्रोग्राम, एक्टिव प्रोग्राम क्या होते हैं, क्योंकि क्विक एक्सेस बार पर हमें ट्रे में डिस्प्ले करवाए जाते हैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट वो एक्टिव प्रोग्राम अपीयर होते हैं एंड आइकन को हम इजिली नेविगेट कर सकते हैं। वर्किंग विद विंडो एप्लीकेशन, हम विंडो एप्लीकेशन पर कैसे वर्क करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे जब अगर हम विंडो 7 पर वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन एरिया और पर्पस होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। अगर हम नोटपैड विंडो पर वर्क करते हैं, नोटपैड पर क्या है, हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ उसके करेक्टर को वो क्या करवाता है, राइटिंग क्रिएटिव एरिया के लिए यूज किया जाता है। इसके टाइटल बार, मिनी वाइज, रीस्टोर, क्लोज बटन जो है वो क्या करते हैं, इसकी विंडो पर डिस्प्ले होते हैं। और जब भी हमने इसको नोटपैड को ओपन करना हो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट मेनू पर जाते हैं, देन ऑल प्रोग्राम, और ऑल प्रोग्राम के बाद एक्सेसरीज आती है। एक्सेसरीज में हमारे पास क्या होता है, नोटपैड आइकन होता है,
और उसको डबल क्लिक करने से हमारा नोट पैड जो है वो ओपन हो जाता है। वर्ड पैड, वर्ड पैड क्या है, हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, ये भी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारी एप्लीकेशंस को फॉर्मेट करके रखता है। और इस तरीके से हमारे पास जो ग्राफिकल चार्ट, पिक्चर्स, क्लिप हैं वो इसमें इंसर्ट नहीं किए जाते। और इसको ओपन करने के लिए भी हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू पर जाते हैं, फिर हम वहाँ पर ऑल प्रोग्राम होता है, ऑल प्रोग्राम को क्लिक करने के बाद हमारे पास एक्सेसरीज आती हैं, एंड लास्ट में हमारे पास वर्ड पैड जो आइकन है वो डिस्प्ले हो जाता है। पेंट, पेंट हमारे पास क्या है, जियोग्राफिकल एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 को क्रिएट करती है ड्राइंग करने के लिए, और इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एप्लीकेशन को यूज़ करती हैं। और इस तरीके से जो हमारा MS पेंट है वो क्या करता है, सेवरल टूल्स को जो ड्राइंग के होते हैं जैसे कि कलरिंग, एडिटिंग, एग्जिटिंग एंड पिक्चर एप्लीकेशन को डिस्प्ले करवाता है स्टूडेंट। इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, पेंट विंडो ओपन होती है। और इस तरीके से अगर भी हमारा जो भी वर्किंग एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। इसको ओपन करने के लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मेट है, स्टार्ट पर जाएंगे, फिर हमारा ऑल प्रोग्राम, देन एक्सेसरी, देन क्या हो जाएगा, पेंट। कैलकुलेटर स्टूडेंट, कैलकुलेटर क्या करता है, ये भी हमारे विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 के रिलेटेड वर्क करता है। अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन की रियल कैलकुलेशन करनी हो तो हम कैलकुलेटर बटन पर जाकर इसकी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पर, देन ऑल प्रोग्राम, असेसरीज से और कैलकुलेटर पर वहाँ क्लिक करेंगे तो वो हमारे डिस्प्ले करवा देगा। यूजिंग रन बॉक्स, रन बॉक्स क्या करता है, हमारे पास एक ओपन प्रोग्राम है उसका नेम है जे रन बॉक्स, और इसके लिए हम जब भी हमने कोई फास्टली किसी प्रोग्राम को ओपन करना हो तो हम डायरेक्टली क्या है, रन बॉक्स में उसका नेम टाइप करते हैं, एंड देन उसको क्लिक करने पर वो क्या है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर उस हमारे फाइल्स को ओपन करवा देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने नोट पैड को किया है, वर्ड पैड को करना है, तो हम कैलकुलेटर कैल्स करेंगे, और इसकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर हमने करेक्ट नेम राइट प्रोग्राम नहीं किया तो हमारा प्रोग्राम जो है वो उस वहाँ पर नहीं ओपन होगा। इस तरीके से स्टूडेंट हमारी रन कमांड होती है। इसको भी ओपन करने के लिए हम सबसे पहले रन बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 को क्लिक करते हैं, फिर हमारे पास विंडो प्रेस बटन आता है, देन वहाँ पर R+ करने से हमारे पास ऑटोमेटिकली विंडो जो है ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्च बॉक्स एंड स्टार्ट मेनू। सर्च बॉक्स क्या करता है स्टूडेंट, हमारे पास विंडो 7 में जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में, जो हमें हार्ड डिवाइस में दिए होते हैं, वो हमारे स्टार्ट मेनू विंडो 7 में डिस्प्ले नहीं होते, और जो मिसिंग हमारे पास आइकन होते हैं उसको हमने स्टार्ट मेनू पर जाकर री अनेबल करना हो तो हम कंट्रोल पैनल पर जाकर उसको री अनेबल कर सकते हैं। स्टेप टू शो द सर्च बॉक्स, अगर हमने स्टेप वाइज इसको शो करवाना हो तो हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो क्या करेगा, इसको अनइंस्टॉल कर देगा, और इस अंडर के, उस प्रोग्राम के अंडर हम अपनी विंडो के जो फीचर्स हैं उसको ऑफ कर देते हैं, और हमारा जो सर्च विंडो जब हम ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी हमने चेंजेस की हैं वो सेव हो जाएंगी। शटिंग डाउन कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो इम्पोर्टेंट्स वर्क हैं हम उस पर प्रोसेस करेंगे, और देन हमारे पास जो शट डाउन ऑप्शन होता है उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, कम्प्लीटली कंप्यूटर्स के सभी ऑप्शंस को, पहले जो भी हमने ओपन किए हैं उसको क्लोज करेंगे, एंड देन हम शट डाउन ऑप्शन मेनू पर जाएंगे और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे, देन हमारा जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली उसको शट डाउन कर देगा। स्लीप, स्लीप मोड क्या करता है, जब हमारी पावर ऑफ मेनू यूज़ करनी हो, अगर हमारा कंप्यूटर जो है सम टाइम के लिए हमने छोड़ना हो तो हम ड्यूरिंग क्या करते हैं, उसमें हम अपनी मॉनिटर को गेट ऑफ करने के लिए हम सेफ मोड करते हैं, तब हम अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड पर लगाते हैं ताकि हमारी जो पावर रिमेन ऑन रहे और उसकी जो लाइट है वो ब्लिंक करती रहे। इसी तरीके से जो हमारा रेड कलर LED होता है और CPU होता है वो स्लीप मोड पर रहता है, देन उसको रिज्यूम करने के बाद वो ऑटोमेटिकली मोड से ऑफ हो जाएगा। शट डाउन, शट डाउन स्टूडेंट क्या है, जब भी हमने अपनी पावर मेनू को फिनिश किया हुआ वर्क, हमने अपने सिस्टम को बाहर आना हो कंप्यूटर से, तब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के सिस्टम को हम ऑफ करते हैं, उसकी मेन पावर सप्लाई शट कर ऑफ करने से पहले हम अपने सिस्टम को पहले शट डाउन करेंगे, देन इसका प्रोसेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड साइज के अकॉर्डिंग वर्क करता जाएगा और हमारी जो रनिंग विंडो है उस पर वर्क करेगा। लॉग ऑफ
स्टूडेंट जैसे कि आपने सभी ऑप्शन देखे हैं, जो हमारा लॉग ऑफ भी है वो क्या करता है, हमारे डाटे को मैनेज करके रखता है। और इसके जो यूज़र अकाउंट होते हैं, जब तक वो हमारा वर्क को फिनिश नहीं करते वो हमारे कंप्यूटर को छोड़ता नहीं है। इसी तरीके से जब भी हमारे पास असेसिंग होती है कंप्यूटर की वर्किंग की, वो डिफरेंट होती है। और इसी तरीके से जो लॉग ऑफ ऑप्शन है वो हमारा पावर मेनू होता है। रीस्टार्ट, रीस्टार्ट स्टूडेंट क्या होता है, जब हमारे पावर मेनू को हमने यूज़ किया है और हमारा जो प्रोग्राम है इंस्टॉल हो रहा है और उसकी जो अपडेशन सिस्टम की है वो डन है, तब हम अपने डिवाइसेस को, न्यू डिवाइस और हार्डवेयर को अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो उसकी रिक्वायरमेंट को रीस्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन केस जो हमारा रीस्टार्ट ऑप्शन है वो पावर मेनू में होता है, जिसमें अगर हम शट डाउन करें तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा अगेन। और ये रीस्टार्ट बटन ही प्रेस करने पर ही ऑटोमेटिकली हमारी जो विंडो है वो शट डाउन हो जाती है। स्टूडेंट, ये आपका सेकेंड चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।